हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग मेरे हेल्थ को लेकर एंड मेरे कंडीशन को लेकर टेंस्ड हो तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगी। मैंने आपसे कहा था कि मेरा मेडिटेशन चल रहा है एंड अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ तो हम कोई और स्टेप लेंगे और डॉक्टर चेंज करेंगे। तो गाइस, यही हुआ। मेरा कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रहा था, कुछ और थिंग्स भी दिखाई दे रहे थे, कुछ इफ़ेक्ट्स और भी ऐड हो रहे थे। तो अभी मेरा जो कंडीशन है वो बहुत ही चिंता वाली है काइंड ऑफ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे हो रही है वो बहुत ही एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत ही चिंता वाली बात है, मेरे घर वालों के लिए भी। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया था पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर ठीक नहीं हुआ तो वो मुझे कोई और डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, एंड ऐसा ही हुआ है। उन्होंने एक न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट किया है मुझे एंड अब मेरा वहाँ पर ही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यही होप करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, पता नहीं, बट एनीवेज जो होना है वो तो होगा ही। बट प्लीज़ डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊँगी, आप लोग मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड अबाउट दैट स्टोरी, आप लोग पूछ रहे थे कि स्टोरी में टॉप एंड बॉटम कौन है। तो गाइज, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने ये स्टोरी बहुत टाइम पहले पढ़ा था। मुझे ये बोलने में भी बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे सच में याद नहीं इसमें टॉप एंड बॉटम कौन है। मुझे याद होना चाहिए, एज अ स्टोरी टेलर मुझे ये पता होना चाहिए, बट मैंने एकदम जल्दी से ये स्टोरी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी एंड मैं स्टोरी शेयर करना बहुत मिस कर रही थी, आपके कमेंट्स को बहुत मिस कर रही थी, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो मैंने एकदम से स्टार्ट कर दिया था एंड मैं अभी पढ़ते हुए आपको स्टोरी नैरेट कर रही हूँ, तो मुझे सच में याद नहीं गाइस। बट डोंट वरी, गिव मी सम टाइम, मैं इसे रीड करके आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। आई होप ये वांगशियान टॉप लंजा एंड बॉटम विंग है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ही मुझे बता दीजिए, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं रीड करके आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड आप लोग मुझसे पूछ रहे थे एक और क्वेश्चन कि क्या विंग को पता है कि ये लंजा है। तो गाइस, हमने अंतिम में क्या देखा था, ये मैं बोलना नहीं चाहती थी, एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, बट मैं ये बोलना चाहूँगी अभी क्योंकि आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो। तो हमने अंतिम में देखा था कि लंजा को पता चल गया था कि मो शैनो विंग है, रियल स्टोरी में तो ये है ना। तो यहाँ पर भी सेम ही है ना, क्योंकि तब विंग ने बांसुरी प्ले की थी तो लंजा को पता चल गया था, क्योंकि वो सॉन्ग लंजा का ही था, लंजा ने ही बनाया था विंग के लिए। तो यहाँ पर भी लंजा ने जीटर प्ले किया था, 5 स्ट्रिंग वाला, एंड उसने वही सॉन्ग प्ले किया था जो उसने विंग के लिए बनाया था। तो आई थिंक विंग को पता है एंड अब इसके आगे आपको स्टोरी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग लंजा को लेकर यंग मैंग के टूर में गया था, जहाँ पर विंग ने अपने सारे फेवरेट प्लेसेस लंजा को दिखाया था एंड उसने लंजा के लिए न्यू कपड़े भी खरीदा। एंड देन जब वो लोग घर वापस आए तब उन लोगों को पता चला कि वो हाथ जो वो लोग लेकर आए थे वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देन उस हाथ को लंजा एंड विंग ने एक साथ अपने इंस्ट्रूमेंट प्ले करके शांत किया। जेंगजा ने सजेस्ट किया कि उन लोगों को ये हाथ गुसू लेकर जाना चाहिए, बट विंग ने कहा कि उन लोगों को पहले पूरी बॉडी ढूंढना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो जेंगजन ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका पूरा बॉडी कहाँ पर है। तो अभी लंजा ने कहा नॉर्थ वेस्ट की तरफ एंड वो पॉइंटिंग खुद वो हाथ कर रहा था। विंग ने प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट डे उस हाथ को लेकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा। दिन जब सिजुई को बुरा लग रहा था कि उसके वजह से वो हाथ यहाँ पर आया एंड इतनी सारी मौतें हुई, तब लंजा ने उसे कंफर्ट किया। अब लंजा अपने रूम में था, वो अपने जिटर के स्ट्रिंग्स को क्लीन कर रहा था। तभी लंजा ने देखा कि उसके हाथों में चोट आ गया है जिटर प्ले करने की वजह से, क्योंकि ये मोशनू का बॉडी है, लंजा को इस बॉडी का आदत नहीं है और ना ही मोशनू का आदत है कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का। वो ये सोच ही रहा था तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजे के बाहर से याली ने लंजा को बुलाया। याली ने कहा मो शैनू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया तो बाहर याली खड़ी थी, उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स था। याली ने कहा मैंने आपको प्ले करते हुए देखा था एंड शायद आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का आदत नहीं है, मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ, मुझे आपके हाथों को ट्रीट करना है। इससे पहले लंजा मना कर पाता, याली ने कहा ये नेसेसरी है, प्लीज़ मना मत करिए। याली का टोन जेंटल था, उसके साथ साथ फर्म भी, जैसे कि वो लंजो को मना करने ही नहीं देंगी। एंड फिर से याली को देखकर लंजो को अपने भाई की याद आ रही थी, तो लंजो ने नोट किया। देन याली लंजो के पास ही बेड में बैठ गई एंड वो लंजो के फिंगर्स को ट्रीट करने लगी। इनफैक्ट ट्रीट करते हुए याली लंजो के फिंगर्स को ब्लो भी कर रही थी ताकि लंजो को पेन फील ना हो।
ये देख के लंच को बहुत अच्छा लग रहा था। याली को देखकर ही लग रहा था कि सच में वो एक माँ है। उसे अच्छा लग रहा था कि बहुत सालों बाद कोई उसके लिए फिर से केयर कर रही है। उनका केयरफुल फिंगर्स, उनके जेंटल स्माइल, लंच को अपनी भाई की याद आ रही थी। ट्वीट करने के बाद जियान याली ने कहा, मैंने तब आचिंग एंड आशियन के बात सुन लिया था कि आईवी वेंचिंग जिंदा है एंड शायद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट उससे रिलेटेड है। क्या आपके इस बारे में कुछ पता है? लंच को हेजिटेट फील हो रहा था। उसने कहा, मुझे एक्सीडेंट के बारे में कुछ डिटेल में पता नहीं। लंचा सोच रहा था कि ये क्वेश्चन करना गलत नहीं है, क्योंकि शायद जब जिशोन का एक्सीडेंट हुआ था तब शायद मोशन बहुत छोटा था, तो उसके लिए सब कुछ समझना उतना पॉसिबल नहीं था। तो याली ने एक डीप शाई किया। उनका एक्सप्रेशन पेन में बदल गया। याली ने कहा, उस रात मैंने ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड को खो ही दिया था। लंचा ने कहा, आई एम सॉरी, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते तो। याली ने कहा, नहीं, इट्स फाइन, ये 10 साल पहले की बात है। मेरा ससुर जी, ये बोलते हुए याली रुक गई। उनके फेस में डिसगस्ट साफ दिख रहा था। ये देख के लंचा को अच्छा लगा। उसे ये देख के अच्छा लगा कि याली को उस जन के बारे में सब कुछ सच सच पता है, पर उसने कुछ कहा नहीं। याली ने कहा, उन्होंने लांग वांग जिए गुचिन रेन योंग को फिर से बिल्ड करने की कोशिश किया था, बट इस दुनिया में कोई भी हे यो लॉन्ग के जैसे उन टेक्निक्स का मास्टर नहीं हो सकता। मास्टरिंग तो दूर की बात, उसके क्लोज तक नहीं जा सकता। ये सुनकर लंजन ने एक डीप ब्रेथ लिया। वो सोच रहा था, रेन योंग गुचिन उसके प्रीवियस लाइफ का सबसे मोस्ट टेरेबल इन्वेंशन था। मरने से पहले उसने अपने इन्वेंशन, अपने गुचिन को ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। याली ने कहा, मेरे हस्बैंड इसके अगेंस्ट थे, मेरे बाबा एंड निये जोंगजो भी, इनफैक्ट लान सेक्ट भी इसके अगेंस्ट में थे। एंड जब तीनों सेक्ट एंड उनके खुद के बेटे इसके अगेंस्ट में थे, तब मेरे ससुर के पास गिव अप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी लंचा ने कहा, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया, राइट? लंचा जिन गुआंगशन को जानता है, उन्होंने बहुत कोशिश किया था ताकि लंजा उस गुचिन को उन्हें दे दे, बट लंजा ने रिफ्यूज़ कर दिया था। एंड सिर्फ इसी डिसीजन में उसके सेक ने भी उसका साथ दिया था, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बहुत डेंजरस था, हद से भी ज़्यादा। एंड जिन गुआंगशन बहुत ही बुरा इंसान था, उसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट जाना मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाना। बट अब ये सुनकर लंजा को रियलाइज हुआ कि उसके डेथ के बाद भी जिन गुआंगशन ने हार नहीं माना था, उस गुचिन के ऊपर उसका ऑब्जेशन अभी भी था। याली ने कहा, आपने सही कहा, उन्होंने गिव अप नहीं किया था। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया था, बट मैं जानती हूँ उन्हें। ये सुन के लंचे को याली के अंदर उनके आईज में बिल्कुल मैडम यू दिख रही थी। याली ने अपना बिलीफ बिल्कुल हेजिटेशन के बिना ही लंचे के सामने कह दिया। उनके आईज में मैडम यू का शार्पनेस था। याली ने कहा, उस सस्पिशियस इवेंट्स के बाद बहुत कुछ हुआ था। पहले तो निये जोंगजो ची डिविशन में चले गए थे। ये सुनकर लंजन ने बहुत कोशिश किया ना चौंकने का, क्योंकि निये जोंगजो, आई मीन निये मिंगजी, उसका ब्रदर इन लॉ है। लंजन को बहुत बुरा लग रहा था। याली ने कहा, थैंकफुली वो रिकवर कर गए थे। वैसे भी निये क्लैन के हर कोई बहुत ही वायलेंट होते हैं उनके टेक्निक्स के वजह से। ये बोलकर याली ने एक डीप ब्रेथ लिया। उन्होंने कहा, उसके कुछ हफ्ते बाद एक ट्रैवलिंग के दौरान मेरे दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। एंड उस टाइम में बहुत लोगों ने जिन गुआंगशन के सामने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, क्योंकि बाकी सेक्ट लीडर्स बहुत ही यंग थे। मेरे पापा ही थे जिन्हें सब लोगों ने सोचा था कि वो चीफ कल्टिवेटर बनेंगे, वही उस पोजीशन के लिए बेस्ट पर्सन थे। पर इससे पहले ऐसा कुछ हो पाता, मेरे पेरेंट्स मारे गए। रंजन ने पूछा, कैसे? याली ने कहा, वाटर घोस्ट। ये बोल के याली ने एक सैड स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स थोड़े बहुत वाटर घोस्ट उन्हें मार नहीं सकते थे, क्योंकि हम वाटर में ही रहते हैं। वाटर घोस्ट हमारे लिए बहुत ही मामूली बात है, हम उनका सामना करते हुए ही बड़े हुए हैं। बट वो वाटर घोस्ट्स नॉर्मल नहीं थे,
उनमें डिमोनिक कल्टिवेशन इन्वॉल्व था एंड इन द एंड उनका बोट पानी में डूब गया था। लंचो को अब रियलाइज हो रहा था कि जियांग चैंग उसके आसपास इतना अनकंफर्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का डेथ डिमोनिक कल्टिवेशन की वजह से हुआ था। हाँ ऑफकोर्स उसमें लंचा नहीं था, बट ये कल्टिवेशन लंचा का ही क्रिएशन था। तो लंचा याली से नजरें नहीं मिला पा रहा था, उसने अपना आइस टर्न कर लिया, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। एंड तभी उसे अपने नीज में एक जेंटल स्क्वीज फील हुआ एंड वो याली ने किया। याली ने कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता और ना ही डिमोनिक कल्टिवेशन को। ये ब्लेम उन पर जाता है जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर लंचा सोच रहा था कि अगर याली को पता चला कि मोशनु के बॉडी में मोशनु नहीं बल्कि लंचा है, तो क्या याली उससे हेट करेगी? लंचा ने पूछा, किसी ने भी जिन ग्वांगशन के ऊपर सस्पेक्ट नहीं किया? याली ने कहा, अभी तक तो किसी ने भी नहीं किया है। उस टाइम मेरे पापा एंड मेरी माँ डेमोनिक कल्टिवेशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे थे, जो कि बहुत ही ज़रूरी था, एंड सारे सेक्ट्स इसके साथ थे। तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर अटैक एक रिवेंज था, कोई पॉलिटिकल मूव नहीं। तभी लंचा ने पूछा, एंड भाई? लंचा को ये भाई बोलते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसके लिए भाई उसका खुद का भाई है, लान सिचेन। बट एनी हाउ जिन ईश्वान भी उसका भाई ही है, क्योंकि वो मो शैनु के बॉडी में है, तो इसलिए उसे लंचा को भाई बुलाना ही पड़ा। लंचा ने पूछा, उसे क्या लगता है, वो इस बारे में क्या सोचता है? याली ने कहा, उस टाइम आशवानी ओनली पर्सन था जिसने अपने पापा के अगेंस्ट बात की थी। उसने मेरे पेरेंट्स के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की बात की थी, एंड उसके कुछ ही मंथ बाद जिन जिशवान एक नाइट हंट में गया था लानलिंग के बाहर अपने भाई जिन जिशुन के साथ। ये सुनते ही लंचा को बहुत गुस्सा आ गया। जिन जिशुन, जिसे लंचा बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, एंड लंचा को उसका डेथ का कोई अफसोस भी नहीं है। याली ने कहा, मुझे ये चीज़ बहुत ही सस्पिशियस लगा कि जो भी लोग जिन ग्वांगशन के अपोजिट में हैं, जो उनके लिए ये सब चीज़ें डिफिकल्ट बना रहे थे, उनमें से या तो कोई मारे जा रहे थे, कोई ची डिविशन में जा रहे थे, या फिर कोई बर्बाद हो रहे थे। आई नो सब लोग यही सोचते हैं कि वो अपने बेटे के ऊपर कोई भी बुरा स्टेप नहीं लेंगे, बट मेरा ससुर जी पावर के लिए ब्लाइंड हो चुके थे, वो पावर के लिए कुछ भी कर सकते थे। लंचा ने पूछा, और किसी को ये चीज़ सस्पिशियस नहीं लगा? याली ने कहा, लोग बात करते थे, इससे पहले कोई सीरियस एक्शन ले पाता जिन ग्वांगशन का मौत हो गया। लंचा को याद आया कि लंचा जिन ग्वांगशन के मौत के बारे में अभी भी गॉसिप सुनता है। इनफैक्ट 10 साल हो गए हैं इस बात को, लोग अभी भी इसके बारे में गॉसिप करते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। तभी याली ने कहा, जिन जिशुन जैसा भी इंसान था, पर वो बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर था, तो आशुआन एंड जिन जिशुन को एक साथ हरा पाना बहुत ही टफ काम था। मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे एक्चुअली क्लियरली बताया नहीं है कि उस रात हुआ क्या था, इनफैक्ट आ चेंग एंड आशियान को भी नहीं। जिस रात उनके ऊपर अटैक हुआ था, उसके प्रीवियस नाइट को आशुआन ने एक गुचिन का साउंड सुना था। ये सुनते ही लंचा का ब्रीथिंग रुक गया, उसे रियलाइज हुआ तो सच में किसी ने रे योंग का रिबिल्ट कर लिया है। पर लंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि याली ये सब बातें लंचा को क्यों बोल रहा है, वो तो मो शैनु है। लंचा ने कहा, आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हैं? याली ने कहा, हमें नहीं पता किसने रे योंग का यूज़ कर रहा है, बट जो भी कर रहा है वो बहुत ही पावरफुल है, किसी और को इसके बारे में बोलना डेंजरस होगा, तो हमने इस बात को सीक्रेट ही रखा। एंड हम हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखते हैं। हमने बहुत सर्च किया, बट उस दिन के बाद से उस गुचिन का फिर से यूज़ नहीं हुआ है। बट अब जब वो हाथ हमारे क्लैन में आया है, जब आशियान उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आशियान डेंजर में है, क्योंकि शायद वो डेमोनिक कल्टिवेटर उसके पीछे जाएगा। मैं तुम्हें इसके बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना मैंने सुना है, तुम बहुत ही पावरफुल डेमोनिक कल्टिवेटर हो। अगर कोई रे योंग एंड उसके न्यू मास्टर से डील कर सकता है, तो वो और कोई नहीं, तो
तुम हो। ये बोलने के बाद याली ने लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा एंड कहा, मैं तुमसे एक बहुत ही बड़ा हेल्प मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करना। इससे पहले याली अपनी बात को कह पाती, लंजा समझ गया। उसने कहा, मैं उसके साथ जाऊँगा, शून हो जून आपके पास सेफली लौटेगा। लंजा ने ये बात प्रॉमिस किया। इनफैक्ट अगर वो प्रॉमिस नहीं भी करता तब भी वो ऐसा ही करता। जब तक वो जिंदा है वो विंग को कुछ भी नहीं होने देगा। ये सुन के याली ने एक ग्रेटफुली स्माइल किया और कहा, देन मैं उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। अगर तुम्हें कल ट्रैवल करने के लिए कोई और सामान चाहिए तो प्लीज़ हेजिटेट फील मत करना, मुझसे कहना। लंजा ने नोट किया एंड देन याली वहाँ से चली गई। लंजा सोच रहा था, किसी ने रेन योंग गुचिन को रिबिल्ड कर लिया है। अब लंजा को फील हो रहा था कि उसके वापस आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बट क्या किसी ने मोशन को इन्फ्लुएंस किया था ताकि वो हे योलांग लंजा को अपनी बॉडी में समन करे। लंजा सोच रहा था, काश वो कहीं भी रेन योंग गुचिन को बनाता ही नहीं, अगर वो नहीं बनाता तो इतना कुछ होता ही नहीं शायद। हाँ, उस गुचिन ने लंजा को वार्ड में हेल्प किया था, उस गुचिन की वजह से सब लोग वेन रोवान को हरा पाए थे, बट उसके बाद वो वेपन सबके लिए टेरिफाइंग बन गया, खतरनाक बन गया, एक बहुत ही स्ट्रांग वेपन बन गया। दिल लंजा को वो दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने ये गुचिन बनाया था। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। ये उस रात की बात है जिस दिन लंजा ने अपना गुचिन रेन योंग को बनाया था। वो अपने पीठ में गुचिन लेकर उसी केव में आया था जहाँ पर वो एक टाइम में बंदी था। उसके पीठ में उसका अनरिमार्केबल गुचिन था। उस केव के अंदर एक रिसेंटफुल स्पिरिट से भरा पड़ा तलवार वहाँ पर ही पड़ा था जहाँ पर लंजा से छोड़ के गया था। उस तलवार को लंजा ने अपने हाथों से टच नहीं किया। उसके बदले वो उस तलवार के पास ही अपने गुचिन लेकर ऐसे ही ग्राउंड पे बैठ गया एंड वो उस तलवार को देखने लगा। वो तलवार रिसेंटफुल स्पिरिट्स उसकी एनर्जी से भरा था। लंजा सोच रहा था, इस एनर्जी से डील करने के लिए सिर्फ तीन ही रास्ता है। एक, सप्रेस, उसे कंट्रोल करना। दो, लिबरेट, उसे फ्री करना। एंड तीन, एलिमिनेट, उसे ख़त्म करना। तभी लंजा को याद आया विंग ने पूछा था, एंड अगर कोई फोर्थ रास्ता हो तो। लंजा के दिमाग में बार बार विंग की यही सवाल आ रही थी, पर लंजा ने अपने दिमाग को कंट्रोल किया एंड उसने उस दिन सारे रूल्स तोड़ दिया। वो अपने सारे प्रिंसिपल्स भूल गया क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि अब वो रूल्स उसे सर्वाइव करने के लिए एंड उन लोगों को बचाने के लिए जिनसे वो प्यार करता है, जो उसके अपने हैं, वो रूल्स उसे हेल्प नहीं करने वाला। उसे कुछ करना ही होगा, अदरवाइज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गूस में उनकी क्लास के दौरान विंग ने सिर्फ डेमोनिक कल्टिवेशन का नाम लिया था, उसके बारे में आइडिया दिया था, उसके बारे में सवाल किया था, बट लंजा उस चीज़ को सच करने वाला था। वो डेमोनिक कल्टिवेशन क्रिएट करने वाला था। तो लंजा ने तलवार को देखा एंड उससे अपने पास आने के लिए इन्वाइट किया एंड देन लंजा ने गुचिन प्ले करना शुरू किया। उसने एक बहुत ही हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल सॉन्ग प्ले किया। उसने रिसेंटफुल एनर्जी को प्रॉमिस किया कि वो एनर्जी, वो स्पिरिट्स उसे रिवेंज, वायलेंस एंड सब कुछ करने में हेल्प करे एंड उसके बदले लंजा ने अपने आप को एंड अपने ब्लड को उन स्पिरिट्स के सामने सबमिट कर दिया। जैसे ही लंजा ने ये किया, वो तलवार हवा में उड़ गया। वो तलवार हवा में फ्लो कर रहा था। उसके आसपास डार्क स्मोक था रिसेंटफुल एनर्जी का, जो तलवार के आसपास घूम रहा था एंड देन लंजा का गुचिन वो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा था। लंजा ने कंटिन्यू बिना रोके 4 दिन एंड 4 रात प्ले किया एंड रिसेंटफुल एनर्जी लंजा को हेल्प कर रहा था ताकि लंजा को भूख ना लगे एंड उसे वीक फील ना हो। वीक फील होना तो दूर की बात, लंजा को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील हो रहा था। उसे इतना पावरफुल इससे पहले कभी भी फील नहीं हुआ था। देन फाइनली 5th मॉर्निंग उसने फाइनली प्ले करना बंद किया एंड वो तलवार अब फ्लोर पे गिर गया। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब वो तलवार एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मेटल था। सारा स्पिरिचुअल एनर्जी गुचिन के अंदर था, जो गुचिन बस 5 दिन पहले
एक अनरिमार्केबल प्रेस्टिजियस गुचिन था एंड आज वो एक इटर्नल टेरिफाइंग गुचिन बन गया। जो गुचिन एक्सपेंसिव वुड से बना हुआ दिखता था, आज वो गुचिन ब्लैक आइस से बना हुआ दिख रहा था जिसके ऊपर डार्क मिस्ट फ्लो कर रहा था, जिसे देख के लग रहा था कि अगर उसे किसी ने टच किया तो वो गुचिन ऐसी ही स्मोक में गायब हो जाएगा। उस गुचिन के स्ट्रिंग्स के कलर बिल्कुल बोन जैसा दिख रहा था, जिसके ऊपर लंजक के हाथों के ब्लड का स्टेंड है। 4 दिन एंड 4 रात कंटिन्यू बजाने की वजह से लंजक के हाथों से कंटिन्यू खून निकल रहा था, जिसे लंजक ने इग्नोर किया है। अब सारे रिसेंटफुल स्पिरिट उस गुचिन के अंदर कैद हो चुका था एंड लंजक के ब्लड से सील हो चुका था। अब लंजा उनका मास्टर बन गया था। उस गुचिन को कहीं भी समन किया जा सकता था एंड कहीं भी वैनिश किया जा सकता था, बिल्कुल पहले की तरह। बट पहले इस गुचिन से, उसके प्योर स्पेशल एनर्जी से सबको कंफर्ट फील होता था, उसके अंदर से कंफर्टेबल म्यूजिक निकलता था। बट ये गुचिन डार्क सोल से भर चुका था। उस गुचिन के अंदर से स्पिरिट्स ऑलरेडी लंजक के कान पे विस्पर कर रहे थे टेरिबल आइडियाज। बट लंजन ने अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल किया एंड उसने स्पिरिट्स के ऊपर अपने मास्टरिंग क्लेम किया। एंड देन लंजन ने अपना गुचिन का एक नाम दिया। उसने गुचिन के साइट में अपने एलिगेंट कैलीग्राफी के थ्रू 2 कैरेक्टर्स लिखे। उस गुचिन का नाम था रेन योंग, जिसका मीनिंग था इमॉर्टल, जिसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। एंड फाइनली फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। इस तरफ सिजुई के रूम में, सिजुई को नींद नहीं आ रहा था। वो बेड पे टॉस एंड टर्न किए जा रहा था। वो अपने बाबा विंग की तरह नहीं है, जो बहुत रात में सोने जाता है एंड बहुत देर में उठता है। सिजुई का हैबिट थोड़ा डिफरेंट है, वो बहुत जल्दी सो जाता है एंड बहुत जल्दी उठ जाता है। इनफैक्ट उसके बाबा ने उसे कितना स्पॉइल करने की कोशिश किया था, बट सिजुई उसका हैबिट कहीं भी नहीं बदला। उसकी ये हैबिट हमेशा की तरह ही रह गया। बट आज वो सो ही नहीं पा रहा था एंड आज ये नई बात नहीं था। ऐसे कभी कभी होता है, अगर उसे सोना होता है तो वो बहुत जल्दी सो जाता है, उसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। बट जब उसका नींद नहीं आती, वो चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना करे, उसका नींद नहीं आता। इससे पहले जब भी ऐसा होता था, वो अपने रूम से बाहर निकल जाता था एंड वो देखता था कि उसका बाबा रूफटॉप के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी अपने ही रूम के। तो सिजुई भी उनके पास जाता था एंड उसके पास जाकर बैठ जाता था एंड वो दोनों एक साथ मून को देखते थे। यूजुअली विंग हमेशा बात करता है, उसके अंदर भरपूर एनर्जी रहता है, वो कहीं भी लॉन्ग टाइम के लिए एक जगह पर नहीं बैठ सकता, हमेशा इधर उधर जाता है, बातें करता है। बट जब भी वो रात को रूफटॉप के ऊपर बैठता है, वो बस बैठा ही रहता है एंड वो बहुत ही कम बात करता है। उसे देखकर सिजुई को लगता है कि उसका बाबा किसी के लिए शोक मना रहा है। उसने एक बार इसके बारे में पूछा भी था, तब उसके बाबा ने एक डिफेटेड एक्सप्रेशन दिखाया था, जिसे देख के सिजुई को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था काश इसके बारे में कभी पूछा ही ना होता। बट कभी कभी उसके बाबा इसके बारे में बात करते थे, पर वो बहुत ही स्ट्रेंज बातें किया करते थे जो सिजुई को समझ नहीं आता था। जैसे कि एक बार विंग ने कहा था, आई वन कहते हैं कि तुम्हारा हंसी मेरी तरह है, बट तुम्हारा स्माइल वो उसकी तरह है। सिजुई को आज तक समझ नहीं आया कि वो कौन है, उसका स्माइल किसकी तरह है। विंग ने ये भी कहा था, देखो तुम्हें, तुम कितनी जल्दी सो जाते हो, इनफैक्ट रात के 1 बजे तक भी तुम जगे नहीं रह पाते। मैंने तुम्हें कितनी बार स्पॉइल करने की कोशिश की, बट नहीं, तुम नहीं बिगड़े। यू नो व्हाट, कभी कभी कुछ लोगों की इन्फ्लुएंस कहीं भी नहीं जाता। देन एक दिन विंग ने कहा था, आई वन आई थिंक तुम एक दिन न एक दिन उसे ज़रूर बहुत प्राउड फील कराओगे। सिजुई को नहीं पता कि उसके बाबा किसके बारे में बात करता है, उसने कभी पूछा भी नहीं है। बट कभी कभी सिजुई ड्रीम में देखता है कि कोई उसके सर पे अपने हाथ फहरा रहा है एंड कोई उसके लिए कंफर्टिंग गुचिन प्ले कर रहा है। इनफैक्ट उसे ये भी पता है कि हर रात जब सब लोग सो जाते हैं, तब विंग रूफटॉप में बैठकर एक सॉन्ग प्ले करता है अपने बांसुरी में। शायद सिजुई ही ओनली पर्सन है जिसको ये म्यूज़िक सुनने का प्रिविलेज मिला है। ये म्यूज़िक सुन के लगता है
जैसे कि इस म्यूजिक में एक यर्निंग है, एक हार्ट ब्रेक है, होप है, लॉस है एंड प्यार है। ये म्यूजिक सुनते ही सिजुई की आंखों में आंसू आ जाता है। आज भी सिजुई को नींद नहीं आ रही थी एंड सबसे बड़ी बात, कल उसका बाबा इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाएंगे। तो सिजुई से रहा नहीं गया, वो रूम से बाहर निकला एंड वहाँ पर ही गया जहाँ पर उसका बाबा हर रात बैठे रहते हैं, उसके बाबा के रूफ टिप के ऊपर, जहाँ पर आज भी उसका बाबा बैठे हुए थे। वो भी हर टाइम की तरह अपने बाबा के पास जाकर बैठ गया। बट सिजुई फ्रोंड हो गया। हर टाइम जब भी वो अपने बाबा के पास आकर बैठता है, उसके बाबा के हाथ में या फिर आसपास चेंचिंग रहता है, बट आज चेंचिंग नहीं था। पर उसने कुछ कहा नहीं, पर उसके फेस देख के विंग समझ गया। उसने एक स्मॉल स्माइल किया एंड सिजुई के शोल्डर पर क्लैप किया और कहा, तुम यही सोच रहे हो ना कि आज मैं प्ले क्यों नहीं कर रहा। सिजुई ने कहा, इनफैक्ट जब मैं रात को सोता हूँ अब तब भी प्ले करते हैं, अब हर रात प्ले करते हैं जितना मुझे याद है। विंग ने कहा, नेक्स्ट टाइम जब मैं वो सॉन्ग प्ले करूँगा तब मैं अकेला प्ले नहीं करूँगा। ये सुन के सिजुई कन्फ्यूज तो था, पर उसने कुछ पूछा नहीं। उसे पता है कि उसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, आजुई तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझसे उस सॉन्ग का नाम पूछा था। सिजुई ने नोट किया। उसने कहा, आपने कहा था कि आपको नहीं पता। विंग ने कहा, आई थिंक मुझे जल्दी पता चल जाएगा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। सिजुई हर टाइम अपने बाबा को स्माइल करते हुए देखता है। सबको लगता है कि विंग हैप्पी है, बट सिजुई विंग का बेटा है। वो विंग के स्माइल के पीछे वो सैडनेस, वो डीप थॉट्स समझ सकता है। बट आज जब विंग स्माइल कर रहा था, सिजुई को समझ आ रहा था कि उसका बाबा हैप्पीनेस से स्माइल कर रहे हैं। उनके स्माइल में हैप्पीनेस है, कोई सैडनेस नहीं है, कोई डीप थॉट नहीं है। ये देख के सिजुई को बहुत अच्छा लगा। उसने भी स्माइल किया क्योंकि आज वो भी हैप्पी फील कर रहा है, एक तो अपने बाबा के लिए एंड दूसरा रीज़न सिजुई को खुद नहीं पता। सिजुई सोच रहा था कि इमोशनों की वजह से उसका बाबा आज हैप्पी हैं। सिजुई को नहीं पता कि वो क्यों एंड कैसे ये फील कर रहा है, बट उसे सडनली बहुत ही ग्रेटफुल फील हो रहा था। सिजुई ने कहा, बाबा प्लीज़ अब कल अपना ख्याल रखना। विंग ने कहा, सिजुई मैं कब केयरफुल नहीं रहता, इधर विंग ने टीस करते हुए कहा। बट नेक्स्ट बात विंग ने सीरियस नोट कहते हुए कहा। उसने कहा, डोंट वरी तुम जानते हो ना मैं ज़रूर वापस आऊँगा, राइट। सिजुई ने नोट किया एंड देन सिजुई बेड पे चला गया। उसे बहुत ही लाइट फील हो रहा था, स्पेशली तब से जब से वो मो विलेज से हंट करके लौटा है। वो बेड पे लेट गया, धीरे धीरे उसे नींद आ रही थी एंड तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई उसके बाबा का स्पेशल सॉन्ग प्ले कर रहा है, बट फ्लूट पे नहीं, जिटर में। जो भी प्ले कर रहा है उसके नोट्स बहुत ही क्लम्सी है, स्टम्बलिंग है, ब्रोकन है, बट स्टिल ये वही सॉन्ग है। इस तरफ लंजा, जब विंग एंड सिजुई रूफटॉप के ऊपर बैठ के बातें कर रहे थे, लंजा अपने रूम के विंडो से उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों उससे बहुत दूर थे, वो उनकी बातों को सुन नहीं पा रहा था, बट वो दोनों बहुत ही पीसफुल दिख रहे थे। लंजा सोच रहा था शायद किसी और जन्म में वो सिजुई को ग्रो होते हुए देख पाएगा, शायद वो किसी और जन्म में विंग को एक प्लेफुल टीनेजर से एक रिस्पॉन्सिबल फादर होते हुए देख पाएगा, शायद किसी और जन्म में उसे विंग के सामने अपने लव को कन्फेस करने का मौका मिलेगा एंड वो विंग के वर्थी भी होगा। लंजना देखा कि सिजुई चला गया एंड विंग रूफ टिप में अकेला बैठा है एंड इंटेंसली मून को देख रहा है। लंजा को नहीं पता विंग क्या सोच रहा है, बट लंजा सोच रहा था कि अगर सब कुछ डिफरेंट होता, अगर ये सब कुछ होता ही नहीं तो शायद उनका लाइफ डिफरेंट होता। अगर वो रिसेंट एनर्जी को बेटर कंट्रोल कर पाता तो शायद सब कुछ डिफरेंट होता। अगर वो पहले ही दिन से अपने भाई के सामने ऑनेस्ट रहता तो शायद सब कुछ डिफरेंट होता। अगर वो अपने एनिमीज से बहुत जल्दी भाग पाता, छुप जा पाता तो शायद सब कुछ डिफरेंट होता। या फिर शायद अगर वो कहीं भी वेंशु से ना मिलता तो शायद सब कुछ डिफरेंट होता।
हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई थिंक आज का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट? मुझे तो ये पढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, आज का पार्ट. आपको कैसा लगा आज का पार्ट, ज़रूर बताना. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय.